हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल सर, विद्यार्थी मैथ सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप शुरू से देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और अपने अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न पर। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन आपका है, कोस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 80 डिग्री इक्वल टू 4 हो तो सिद्ध करें। मतलब इसको सिद्ध करना है, LHS को RHS लाना है, या मतलब कि ये बायां साइड है, ये दायां साइड है, तो सिद्ध करना है। तो LHS देखिए, पहले LHS उतारते हैं। कोस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 80 डिग्री। ये LHS है, सबको तोड़ना है। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, उसी पर तोड़ना है और फार्मूला बेस पर लाना है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कोस अगर 90 में 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर 90 में 20 घटाएंगे तो 70 हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर 90 में अगर 30 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर अगर 90 में 40 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 80 डिग्री। अब देखिए, कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये साइन स्क्वायर 80 डिग्री हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 80 डिग्री। ये हो गया। अब फॉर्मूला बेस, ये साइन स्क्वायर 80 है तो कोस स्क्वायर 80 एक जगह लिखते हैं। साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस यहाँ कोस स्क्वायर है, फॉर्मूला बेस लाने के लिए एक जगह हम कर रहे हैं। ये साइन स्क्वायर 80 प्लस कोस स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री तो प्लस कोस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री तो प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री क्या हो गया, कोस स्क्वायर 50 डिग्री। अब देखिए फॉर्मूला बेस पर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ प्लस है प्लस दिए, यहाँ इतना के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 तो 1 1 1 मिलके क्या हो गया, मेरा 4 हो गया। मेरा RHS क्या हो गया, RHS प्रूव हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। 1 लिखे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 लिखे। फिर इस जगह साइन स्क्वायर थीटा इतना को थीटा मान लिए और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका क्या हो गया, 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका मान 1 होगा, सभी को जोड़ दिए तो 4 आया, मेरा RHS प्रूव हो गया। LHS से बने RHS मेरा प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री इक्वल टू 2 हो तो सिद्ध करें। मतलब सिद्ध करना है तो ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, तो LHS से लेंगे और RHS को लाना है। तो LHS हो गया, LHS हो गया आपका कितना हो गया, साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री ये है। तो ये फॉर्म में लाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लाना है। तो ये ध्यान में रखना, ये साइन तो है ही, साइन थीटा है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कोस मेरा हो जाएगा, ये साइन है ही, इसको तोड़ेंगे तो मेरा कोस हो जाएगा। तो ये फॉर्म में पहले हमको लाना है, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर, इसको रहने देते, साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस
ये कितना है साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ये दोनों को रहने देते हैं। अब ये दोनों को तोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर 90, 90 में से अगर 10 घटेगा तो 80 आएगा, प्लस इसको तोड़ेंगे साइन, 90 में से अगर 5 जाएगा तो 85 बचेगा। अब देखिए ये साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए कोस थीटा, थीटा कितना है 80, ये कोस स्क्वायर 85 डिग्री। अब देखिए एक जगह करेंगे 85 85 को एक जगह करेंगे तो मेरा साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 80 डिग्री। अब देखिए इसका मान एक होता है, इसका मान एक होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1, क्योंकि ये फार्मूला हम लिखाए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 शुरू में ही किए थे। चलिए इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया प्लस 1, ये क्या हो गया 2 हो गया, तो एल एच एस अतः एल एच एस इजकल टू आर एच एस मेरा क्या हो गया प्रूव हो गया, एल एच एस से बनाए आर एच एस मेरा प्रूव हो गया। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि हमको फार्मूले के फॉर्म पर लाना है, मतलब किसको तोड़े जो कि मेरा फार्मूला बेस आ जाए, ये ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कोट 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा हो तो सिद्ध करें, मतलब ये एल एच एस दिया हुआ आर एच एस प्रूव करना है, एल एच एस इतना है और आर एच एस मेरा साइन थीटा प्रूव करना है, तो एल एच एस पहले नोट करते हैं, एल एच एस मेरा कितना है साइन 90 माइनस थीटा इंटू कोट 90 माइनस थीटा, ये एल एच एस हो गया। तो ये फार्मूला आपको पहले भी लिखा था, साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या था कोस थीटा, तो इसका फार्मूला कोस थीटा हो गया, और कोट 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या लिखाए थे टेन थीटा, ये कोस थीटा हो गया, और ये इंटू मतलब गुना का चिन्ह, तो ये टेन का हम ये फार्मूला पहले भी लिखाए थे, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा वटे कोस थीटा, और कोट को ये लिख सकते हैं कि कोस थीटा वटे साइन थीटा, या ये भी हम बताए थे कि अगर कोट है कोट थीटा है तो इसको हम 1/10 थीटा लिख सकते हैं, या टेन थीटा है तो इसको 1/cot थीटा लिख सकते हैं, ये ठीक। अब देखिए टेन टेन को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा वटे कोस थीटा, ये ऊपर नीचे कट गया बचा क्या साइन थीटा, क्या हो गया अतः एल एच एस इजकल टू आर एच एस मिला प्रूव हो गया। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ये टेन थीटा, टेन थीटा के फॉर्मूला हम लिखाए थे, ये भी लिखाए थे और टेन को ये भी लिखाए थे, तो ये ध्यान में रखना है कि हमको किसको करे जो कि मेरा यहाँ काम हो, ये हमेशा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अब अगर इस फॉर्म में हम लाते हैं तो मेरा यहाँ काम हो जाता है, अगर हम इस रूप में लेंगे टेन थीटा को 1/cot थीटा यहाँ करेंगे तो मेरा क्या होगा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमको ये दिमाग में लगाना होगा कि फार्मूला को कौन फार्मूला को किस जगह यूज करना है। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन फोर नंबर क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 90 माइनस थीटा इजकल टू कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो अब देखिए ये एल एच एस हो गया आर एच एस हो गया, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि एल एच एस से बनाएंगे जो आएगा वैल्यू और आर एच एस से जो बनाएंगे वो जो वैल्यू आएगा दोनों मेरा इक्वल आना चाहिए, तो प्रूव हुआ नहीं आया तो प्रूव नहीं हुआ, तो चलिए एल एच एस पर ले लेते हैं सेक सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा सॉरी कोट 90 माइनस थीटा सेक स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला हम लिखाए थे, इसका फॉर्मूला क्या लिखाए थे कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला लिखाए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी फॉर्मूला लिखाए थे, इस जगह मेरा फॉर्मूला क्या हो गया इसका इतना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया, और आर एच एस से बनाते हैं आर एच एस मेरा कितना है कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका कोस कोस 90 माइनस थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू क्या हो गया 1, तो मेरा दोनों प्रूव हो गया एल एच एस इजकल टू आर एच एस प्रूव। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ये इसको तोड़ेंगे तो मेरा ये हो गया, ये फार्मूला पर आ गया, फार्मूला का मान एक होता है, इसका भी फार्मूला पर है, तो एल एच एस और आर एच एस मेरा दोनों इक्वल हो गया। ठीक अब नेक्स्ट क्वेश्चन
कि 10 90 माइनस थीटा इंटू कोट 90 माइनस थीटा है इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। तो ए सी करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइड लेते हैं और इक्वल टू ये RHS इसको प्रूव कर देते हैं। ठीक, तो ये मेरा कितना हो गया 10 90 माइनस थीटा इंटू कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा, इतना को हम LHS ले लेते हैं। अब इसको 10 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा का 10 थीटा इक्वल टू सेक, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए कोट को हम अभी इसके पहले ही बताए थे, कोट को हम 1/10 लिख सकते हैं और इंटू मतलब गुना के चिन्ह ये मेरा 10 थीटा इक्वल टू कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, 1/sin थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा और इंटू मतलब गुना का चिन्ह ये साइन, तो ये साइन कैंसिल हो गया, ये 10 कैंसिल हो गया, ये 1 बचा ये 1 बचा, मेरा RHS कितना है, RHS मेरा 1 है, तो आता LHS इक्वल टू RHS प्रूफ, क्योंकि ये ध्यान में दे क्योंकि यहाँ भी बीच में बराबर है तो इसलिए हम ये दोनों टर्म को हम ले लिए LHS में और ये इसको RHS रख लिए, तो और नहीं तो तीनों को एक साथ करेंगे LHS RHS कुछ भी नहीं लेंगे, तीनों को एक साथ लेंगे, तीनों मेरा इक्वल आएगा, ये भी पार्ट मेरा इक्वल आएगा, ये भी और ये भी, तीनों इक्वल हो गया, प्रूव हो गया, मेरा सिद्ध हो गया। ठीक, ये ध्यान में देना है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।